मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को उन्नाव पहुंचे। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीएम सीधे फतेहपुर चौरासी स्थित चंद्रिका खेड़ा गांव आए। यहां उन्होंने शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इसके बाद वे नवोदय विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मंच जिले को तकरीबन 241 करोड़ की सौगात दी। आपको बता दें कि सीएम ने 103 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम के साथ प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह, सांसद साक्षी महाराज समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि उन्नाव साहित्यकार, वीरों और क्रांतिकारियों की भूमि है। सीएम योगी विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम बोले, आप लोग बताइए कि कांग्रेस या सपा अयोध्या में बना सकती थी राम मंदिर। डबल इंजन सरकार की ताकत है। आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ा है। यह परिवर्तन है। पहले लोग बाहर नहीं निकलते थे, गुंडे माफिया हावी होते थे, आज गुंडे माफिया गायब हो गए हैं। पहले विकास आता नहीं था, विकास भी आ रहा है और विरासत का भी सम्मान दिया जा रहा है। जैसे गुलाब सिंह लोधी जी की आज भव्य प्रतिमा और स्मारक का आज यहां पे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, सातन पासी के किले के भी पुनरुद्धार के लिए सरकार इसी प्रकार की बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, यह सरकार डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार इसलिए है क्योंकि आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण किया। आप मुझे बताइए कि अयोध्या में रामलला का मंदिर कांग्रेस के लोग बना पाते, समाजवादी पार्टी के लोग बना पाते, जब उनसे न गरीब को राशन में दे सकते हैं, न गरीब को मकान दे सकते हैं, न स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सकते हैं और न राम मंदिर निर्माण करके आपकी आस्था को सम्मान कर सकते हैं, तो फिर अपना वोट खराब करके क्यों उन लोगों को अपने ऊपर बोझा के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसीलिए हम आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर एक आवाज है और वह आवाज है 2024 में फिर से, फिर एक बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज उन्नाव पहुंचे और उन्नाव पहुंचने के बाद चंद्रिका खेड़ा एफ 84 के चंद्रिका खेड़ा गांव में स्थित शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण करने के बाद मंच स्थल जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में बना हुआ था वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया और अपने संबोधन पर उन्होंने जो है विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्नाव वासियों 243 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले उन्नाव वासियों को 243 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और इस परियोजनाओं उससे जो उन्नाव है उन्नाव के विकास को एक नए पंख लगते देखे जा रहे हैं। वहीं जिस तरह से जो सभा थी सभा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, जिला अध्यक्ष ने, जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह से ताकत झोंकी थी वो पूरी ताकत आज धरातल पर सच साबित होते दिखाई। पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज चुका है और एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव की जनता से फिर अपील की है कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए मोदी 400 पार जाएंगे, जिसमें उन्नाव का अहम रोल रहेगा क्योंकि ये वही उन्नाव है जिसने सांसद साक्षी महाराज को लगातार 2 बार अधिक से अधिक वोटों से जिताया है। और जिस सभा के बाद जिस तरह से जो लोधी वोट बैंक है वो भी साक्षी महाराज के पाले में खिसता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ आशु अवस्थी, ABC News, उन्नाव।